वैसे एक बात तो बढ़िया यार, बेस मॉडल से यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, प्रेस किया गाड़ी स्टार्ट। लो सिग्मा देखने को नहीं मिल रही आपके लिए, दो दो यहाँ सिग्मा आ रखी हैं। खुशी का लेवल ही नहीं है मेरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज अपने ग्रैंड विटारा की पीडीआई करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था 25 नवंबर को ही गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आ तो शोरूम में 21 नवंबर को ही गई थी, लेकिन आज है 15 दिसंबर और आज तक मैंने गाड़ी की डिलीवरी क्यों नहीं ली, ये कहानी जरा सुनो। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि 21 तारीख को ही मेरी गाड़ी आ गई थी शोरूम में, 25 तारीख को डिलीवरी लेनी थी, 4 दिन पहले ही आ गई थी, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट डे हम लोग तैयार थे पूरे कि भाई अर्ली मॉर्निंग हम लोग डिलीवरी ले लेंगे पीडीआई करने के बाद, बट फिर से शोरूम से कॉल आता है, वो लोग कहते हैं कि कुछ बिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गाड़ी बिल नहीं हो रही है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है यार, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैं कहा ये कितने टाइम तक रहेगा जो भी प्रॉब्लम आ रही है? कहते यार होने को अभी अगले मिनट ही हो जाए, होने को हो सकता है कुछ दिन भी लग जाए। मैं कहा चलो ठीक है, मुझे लगा यार छोटा बहुत इशू होएगा, थोड़े टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा। फिर यही बात मैंने ध्रुव भैया को और विक्रम इन सबको भी बताई, मैं कहा यार पता नहीं क्या वो कह रहे हैं बिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन्होंने भी 10 जगह नेक्सा वगैरह में जहाँ जानकारी थी कॉल करके पता किया, तो सब जगह यही प्रॉब्लम हो रही थी, बिलिंग में प्रॉब्लम चल रही थी। 2 days later मैंने फिर से कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि अभी कुछ अपडेट है, कुछ सही हुआ या अभी भी वो इशू है कंटिन्यू? तो कहते हैं हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, अभी तक कंटिन्यू ही है ये इशू। मैंने कहा ठीक है। एक दिन बीत गए, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, उसके बाद मेरा भी ऐसे पेशेंस ओवर हो गया क्योंकि गाड़ी शोरूम पे आई खड़ी थी, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बड़ी परेशान, मैं कहा मुझे तो गाड़ी चाहिए, वैसे ही मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए थी। तो मैंने पूछा यार हुआ क्या, मुझे जेन्युइनली बताओ। तो फिर मुझे पता चलता है कि उस लॉट में जितनी भी गाड़ियां थी, सिर्फ एक मेरी बुकिंग नहीं, उस टाइम की जितनी भी गाड़ियों की बुकिंग थी, सब में सीट बेल्ट का कुछ इशू था, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम थी। तो डिसाइड ये किया गया था कि डीलरशिप वाले उस पार्ट को ही चेंज कर देंगे, बट कुछ दिन वेट करने के बाद पीछे से सुजुकी से अपडेट आता है कि सेफ्टी से रिलेटेड कंसर्न है तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे, जितनी भी उस टाइम में गाड़ियां आई है सारों को कॉल बैक करेंगे और सारे लोगों को न्यू कार्स अलॉट की जाएगी। आई एम रियली सॉरी, बीच में बाइक आ गया था। तो अब न्यू कार्स अलॉट की जाएगी। तो हुआ ये कि हमें चेसी नंबर वगैरह सब कुछ अलॉट हो गई थी, गाड़ी आई खड़ी थी, फिर भी गाड़ी हमें नहीं देनी जानी थी। उसके बाद एक नई गाड़ी अलॉट की, दोबारा से बिलिंग हुई और वो गाड़ी आने में 10 दिन का टाइम लग जाता है, 10 से 15 दिन मान लो आप। उस टाइम के बाद में अब वो गाड़ी अलॉट होने के बाद अब रिसीव हुई है वापस से डीलरशिप पे, नया चेसी नंबर, नई गाड़ी। बट यार मैं थैंकफुल हूँ, अगर इतना टाइम लग भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास प्रॉब्लम वाली गाड़ी नहीं आई बाद में, वरना मैं भी परेशान होती, शोरूम वालों को भी परेशान करती, थोड़ा टाइम और लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद फाइनली खुशी का लेवल ही नहीं है मेरे, इतने दिन वेट करने के बाद में गाड़ी आई है। तो पीडीआई करने जा रहे हैं। अब पीडीआई होता क्या है वो तो आपको मैं बहुत बार बता चुकी, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। बाकी डिटेल में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। अब मेरे साथ पीडीआई करने जा कौन कौन रहा है? ध्रुव भैया पीडीआई एक्सपर्ट, विक्रम और ये टोपी मास्टर जो चेहरा कभी दिखाते नहीं अपना, और मैक के बड़े सारे पार्सल। ये आपके लिए एक स्पेशल बात है। क्या? गाड़ी खंगालनी है, खोलनी नहीं है, कहीं पता चले कह दो कि इसी को बनाऊंगा मैं स्कॉर्पियो। नहीं उसे पता क्या बनाएंगे? हाँ। वो जैसे ग्रैंड विटारा की हमने अभी रील डाली थी ना, वो शॉर्ट डाला था यूट्यूब पे, एडिट करके खींचोगे क्या उसको? नहीं नहीं, सबसे पहले लाके ना उसमें स्प्रिंग वगैरह डलवा दो, अभी अच्छा, उसकी सस्पेंशन खिंचवा दो गबरू की थार की तरह, है नहीं? ये पहली ग्रैंड विटारा होगी जो न्यू टू ओल्ड बनेगी। तो हम आ गए नेक्सा के शोरूम पे और ये दोनों ही गाड़ियाँ अपनी है, ये नई वाली है जो अपने को भी लेनी है और ये जो पहले जिसमें प्रॉब्लम थी वो वाली है। अभी जीएसएस नंबर वगैरह भी वेरीफाई करवाती हूँ। तो ये हमारे हाथ में है एसेसरीज की लिस्ट कि इसमें से कोई एसेसरी लेनी है या नहीं लेनी है, मतलब कुछ फोर्स नहीं है, बट वैसे ही हम लोग चेक कर रहे थे कि अगर ज़रूरत है तो ले लेते हैं, बट मुझे ना कुछ कुछ चीज़ों के प्राइसेस जेन्युइनली बहुत सही लगे, मतलब सही प्राइस में मिल रही है एसेसरीज, तो देखते हैं अगर इनमें से कुछ चूज़ करेंगे तो आपको तो बता ही देंगे। अभी फिलहाल कुछ कुछ चीज़ें मेरे माइंड में है कि मैं ले लेती हूँ, जैसे मड फ्लैप हो गया, बूट मैट हो गया और ये सनशेड्स वगैरह, ये बेसिक चीज़ें सोच रही हूँ अभी खरीद ही लूँ। तो कॉफ़ी वगैरह तो हमने पी ली है, अब बाहर जाते हैं और जाके गाड़ी की पीडीआई स्टार्ट करते हैं। तो ये तो भाई वो पहले वाली गाड़ी है जो सबसे पहले आई थी और जो हमारी नहीं है, तो इसकी तो पीडीआई करनी ही है। इसका एक बार मैं आपको नंबर दिखा देती हूँ, हाइड करके, पता नहीं है किसको अलॉट होगी, सही वगैरह हो क्या वापस जाएगी वो मुझे नहीं पता। अपने को करनी है उस वाली गाड़ी की पीडीआई, वो अपनी गाड़ी। लो सिग्मा देखने को नहीं मिल रही आपके लिए, दो दो यहाँ सिग्मा आ रखी है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सीधी भाषा में बताती हूँ, बेसिक सी लैंग्वेज में, कि कैसे पीडीआई करनी होती है। वैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सीधे सीधे तरीके से बताती हूँ, करना कुछ नहीं है, आप पूरा 360 डिग्री राउंड ले लो, अच्छी तरह अपनी गाड़ी को स्कैन कर लो, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं होने चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक कर लो, चाबी चेक कर लो, लाइटें चेक कर लो, विन नंबर मैच कर लो, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको चेक करनी है अपनी गाड़ी में। 360 डिग्री राउंड लेके पूरी गाड़ी की बॉडी पर स्क्रैचेस वगैरह चेक करने वाली हूँ
क्योंकि गाड़ी आती है ट्रक्स वगैरह में तो बेसिक स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, तो वो पहले शोरूम की नोटिस में लाना जरूरी होता है। अगर आप भी गाड़ी लो ना तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि नई गाड़ी ले रहे हो स्क्रैच के साथ लेने का कोई मतलब नहीं है, तो प्रॉपरली चेक कर लेना और हो सके तो सनलाइट में भी चेक कर लेना। अभी चेक करते टाइम ना आपको कुछ कुछ जगहों पे जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे दिखेगा तो भाई कुछ चेक कर लेना, क्योंकि ये रब होके निकल रहा है, ये देखो इस तरह से पूरा निकल रहा है। सेम ये भी इधर इधर वाली साइड भी, आपको कैमरे में लग रहा होगा स्क्रैच है, बट स्क्रैच नहीं है, मैं रब करूँगी ये निकल जाएगा। तो अभी फ्रंट और साइड से तो मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, रियर से मैं चेक कर रही हूँ। एक्चुअली ना ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, मैं शोरूम कोई पर्टिकुलर नाम लेके बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। बहुत सारे शोरूम्स मैंने देखा है कि लग जाती है ना गाड़ी तो रीपेंट करवा के फिर वो आगे टपा देते हैं, हम क्यों ले भाई, अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो चेक करके ही लेना चाहिए ना। ये भी कहना चाहती हूँ जैसे ये वाला सारा एरिया ना, तो ये भी सारा सरफेस अच्छी तरह से चेक कर लेना। ये डॉट्स वगैरह ये देख रहे हो ये तो पीछे से कंपनी से आते हैं, बट कोई भी सरफेस चाहे यहाँ हो, पूरे एरिया में कहीं भी अन्य वन सरफेस नहीं होना चाहिए, वो फिर रीप्रिंटेड वगैरह होती है तभी होता है, अदरवाइज कंपनी से तो ये डॉट्स वगैरह आते ही हैं। और बाकी यहाँ देखोगे तो व्हील कवर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो सुजुकी ने ना यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की, ये सही चीज़ है। अब अगली देखने वाली चीज़ है सारे टायर्स, चारों टायर्स चेक करने हैं, सेम ब्रांड के होने चाहिए, सेम लॉट के होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह चेक कर लो, सारी सेम होनी चाहिए। ये सब चेक करने के बाद अब बारी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करने हैं, लॉक अनलॉक करके देखना है, DRLs, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स तो इसमें है ही नहीं, और इसके अलावा ORVMs वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करना है, हाई बीम लो बीम भी शिफ्ट करना, दोनों अच्छे से वर्क कर रही है, टेल लैम्प्स ऑन करना, हेडलाइट्स भी ऑन करना, ये लो ब्रेक से पैर डालो, इसके टेल लैम्प्स बड़े प्यारे लगते हैं क्योंकि ये पूरे एक्सटेंडेड है ना, ये भी सही से वर्क कर रहे हैं, वाइपर भी चला दो, चलो बाकी एक बार चारों पावर विंडोज भी चेक कर लेती हूँ, ये ORVM भी सही वर्क कर रहा है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसके इंटीरियर में बहुत ज़्यादा चेक करने वाली चीज़ें नहीं है, अगर आपकी गाड़ी में सनरूफ है तो वो चेक कर लीजिएगा, पर मैं तो अभी यहाँ पे कैबिन लाइट्स चेक कर रही हूँ, ये अच्छी तरह वर्क कर रही है। ये सारे कंट्रोल्स वगैरह मैंने चेक कर ही लिए हैं, AC एक बार ऑन करके देख लेती हूँ, और रियर में भी आप देखोगे तो ये वाली कैबिन लाइट्स है जो दोनों अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं, और ये इसके कंट्रोल्स वगैरह तो है ही नहीं, वो ये वाला ही पीछे यहाँ पे दिया हुआ है। कई लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल ही पागलपन कर रही है, एक एक छोटी छोटी चीज़ चेक करिए, लाइट वगैरह चेक करने से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा कोई जानकार था, जब उन्होंने गाड़ी लेनी थी ना तो PDI के टाइम चेक प्रॉपरली किया नहीं, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में पता चला कि जो बूट गेट है वो रीपेंटेड था, कुछ उस पर इम्पैक्ट था, तो यार क्या ही चला जाएगा, अभी मैं थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, मैं अच्छी तरह से गाड़ी चेक कर लूंगी, बाद में मुझे वापस आना पड़ेगा ना, फिर से टाइम लगाना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई अगर मेरी वीडियो देख भी रहा है तो उसके साथ भी ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने कहा इसलिए पहले ही थोड़ा टाइम निकाल लो और अच्छी तरह से गाड़ी को चेक कर लो। बोनट खोलने के बाद आपको इंजन नंबर, चेसी नंबर, विन नंबर चेक करना है कि जो शोरूम की तरफ से डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है वो दोनों मैच करनी चाहिए। इसके अलावा अंडर द हुड आपको सब चेक करना है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई अनइवन नॉइज आ रही है, या फिर कोई भी पार्ट आपको रीपेंटेड सा या पुराना पुराना फील नहीं देना चाहिए, नई गाड़ी है नई फील लगनी चाहिए। तो एक बार इसको स्टार्ट करके इसकी आवाज भी सुन लेना, स्टार्ट कर दो एक बार गाड़ी, इंजन स्टार्ट हो गया और ये सुन लो आप, एकदम क्लियर अच्छी स्मूथ आवाज है, कुछ भी अनइवन सा या खटकने वाला यहाँ पे नहीं सुन रहा है। अभी आप यहाँ देख सकते हो 48 किलोमीटर चली हुई है अपनी गाड़ी, कई कई जगहों में कई कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 100, 200, 300 तक चली हो, बट इतनी चली होने का ना शोरूम वालों के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई इतने किलोमीटर दूर थी हमें आपकी गाड़ी चला के लेके आनी पड़ी, तो अगर चली है तो ठीक है, वरना इतनी चलने का कोई मतलब नहीं लगता, भाई हम नई गाड़ी ले रहे हैं इतनी चली हुई क्यों ले। अब इसके पीछे भी झोल ये है कि आपकी गाड़ी को भी कई बार ना टेस्ट ड्राइव व्हीकल की तरह यूज कर लेते हैं, इसीलिए गाड़ी ज्यादा चली नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बात तो बढ़िया है यार, बेस मॉडल से यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, प्रेस किया गाड़ी स्टार्ट, कैसा लग रहा है थार वालों को, थार में इन चीजों की जरूरत है सीरियसली यार। गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया 21 को आ गई थी, तो मैंने सोचा था 23 नवंबर को डिलीवरी लूंगी, क्योंकि पंच की डिलीवरी भी मैंने 23 नवंबर को ली थी, बट हमारी किस्मत को कुछ और ही गवारा था, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई PDI डन हो गई, अब इसके डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं, सारे फॉर्म्स की लिस्ट पड़ी है हमारे पास जो साइन मारने हैं, PDI कंप्लीट कर लिया, हम लोगों को तसल्ली हो गई हमारी गाड़ी एकदम एप्रोप्रिएट है। अब जो पेंडिंग अमाउंट पड़ी हुई थी ना टोटल अमाउंट में से वो थी 4,77,000, तो बस वो पे कर दी है, तो सारी जितनी भी पेमेंट देनी थी वो कंप्लीट हो गई, अब सिर्फ गाड़ी उठानी है कल की डेट में, बाकी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब साइन करनी है, सिर्फ गाड़ी लेके जाना बाकी है। मेन चीज रह गई क्या, PDP पॉजिटिव पार्टी कल आके गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, तो बस आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं।